जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक वीलॉग चैनल बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों जो भी मैं बातें बताने जा रहा हूं, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा और काफी ज्यादा अर्निंग होगी, आपका चैनल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों डिजिटेक सर पर आप सभी का स्वागत है, मैं मोहित पांडे, बी टेक्निकल बी मॉडर्न। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि अगर आप वीलॉग बनाना चाह रहे हो तो इसका निच सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। देखिए निच में आपकी कई कैटेगरी आ जाती है, जैसे कि अब बहुत से लोग जब वीलॉग बनाना चाहते हैं तो अपने वीलॉग में कुछ भी डाल देते, मतलब हद हो गई यार, कम से कम अपना जो चैनल बना रहे हो उस पर कोई एक चीज तो फिक्स कर लो। वो फिक्स कैसे करनी होती है दोस्तों, जैसे कि आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका वीलॉग चैनल होना चाहिए। अब बहुत से लोगों का क्या होता है कि इंटरेस्ट अपना नहीं पता, उनको इंटरेस्ट के बारे में जानना ही नहीं, चैनल बना दिया व्लॉग की, हाँ भाई वीडियो बनाएंगे कुछ भी डाल देंगे, तो ऐसा नहीं होता भाइयों ना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि चैनल बना दिया बस वीडियो की सेल्फी ले लेंगे, हाँ भाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक प्रॉपर आपको निश सेलेक्ट करनी है, उसके बेस पर ही आपको अपना वीलॉग बनाना है। निश सेलेक्शन में क्या क्या आ सकता है आपका, जैसे कि आप किसी को एंटरटेन करना चाह रहे हो तो अपने वीलॉग के द्वारा ही आप अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हो दोस्तों। यही के साथ साथ अगर आपको कोई भी क्राफ्ट मटेरियल से कोई भी चीज बनाना पसंद है, मतलब आपके माइंड में बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी है, आप कोई भी वेस्ट मटेरियल से कुछ भी बना सकते हो, तो दोस्तों आपके चैनल पर क्राफ्ट मटेरियल से रिलेटेड ही चीजें होनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट टहलने घूमने में बहुत ही ज्यादा, अगर आप घुमक्कड़ हो दोस्तों, तो दोस्तों आपको चैनल बनाना चाहिए ट्रेवल्स का, आप उसमें ट्रेवलिंग से रिलेटेड ही सारी चीजें होनी चाहिए, टूर से रिलेटेड ही सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी नई सिटी में जाते हो तो वहां पर कौन कौन सी चीजें फेमस है, जैसे कि रेस्टोरेंट हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी रेलवे स्टेशन, कोई भी वे, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस आप उसमें दिखा सकते हो। ओवरऑल जब आप कहीं का टूर करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप बता सकते हो, वहां पर कौन कौन सी चीजें फेमस है, ये सारा का सारा मटेरियल आप बता सकते हो और बहुत ही ज्यादा दोस्तों ये सारी चीजें देखी जाती है। इसी के साथ साथ में अगर आप एक मोटिवेटर हो, आपको लोगों को मोटिवेट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो दोस्तों आप अपने व्लॉग चैनल में मोटिवेशन से रिलेटेड चीजें बना सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। बहुत से ज्यादा लोग जब डिप्रेस होते हैं, सैड होते हैं, तो वो मोटिवेशन वीडियो देखना पसंद करते हैं और किसी भी चीज से रिलेटेड उनको नहीं देखना है। बहुत से स्टूडेंट जब स्टडी पे फोकस करना चाहते हैं तो मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल पर मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो डाल सकते हो दोस्तों। अब अगर दोस्तों बात करें आपका इंटरेस्ट खाने पीने वाली चीजों में बहुत ही ज्यादा, मतलब आप पूरी तरह से भुक्कड़ हो, तो भुक्कड़ होने के साथ साथ में आपको अपना चैनल बना लेना चाहिए दोस्तों फूड ब्लॉगिंग पे। फूड ब्लॉगिंग भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूज होती है, अगर आप लोकल एरियाज के फूड की शॉप्स को कवर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका हो जाएगा। जो भी लोकल एरियाज में आपकी शॉप है, फूड वगैरह है, कोई भी फेमस फूड है, आप उस पर ब्लॉग बना सकते हो। कंट्री का फेमस, स्टेट का फेमस, सिटी का फेमस ब्लॉग, आप अपने वार्ड एरिया का फेमस फूड ब्लॉग बना सकते हो और काफी इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होते हैं, बहुत से लोग इनको देखना पसंद करते हैं क्योंकि खाने पीने वाली चीजें बहुत ही जायकेदार होती है, लोग इसको देखना भी पसंद करते हैं दोस्तों। आप अगर दोस्तों बात करें तो आपको ऑडियंस टारगेट करना होगा। ऑडियंस टारगेट में सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि हमारी ऑडियंस किस तरह की होगी, स्टूडेंट्स की होगी, किड्स की होगी, या फिर पेरेंट्स की होगी, ओल्ड सिटीजन्स की होगी, या फिर यूथ की होगी। ये पहले से आपको सिलेक्शन करके रखना, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी वीडियोस पोस्ट करना होगा दोस्तों। अगर आप इस चीज का सिलेक्शन कर लेते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहता है, क्योंकि यूथ से रिलेटेड वीडियो सिर्फ यूथ ही देखना चाहेगा, बहुत ही कम परसेंटेज रहेगा कि ओल्ड सिटीजन या फिर किड्स देखे। वैसे किड्स की वीडियो यूथ नहीं देखेगा, ओल्ड सिटीजन नहीं देखेगा, तो आपको अपने ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इसका सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि करना। इसके बाद आपको सोचना चाहिए कि आपको किन किन टूल्स की नीड पड़ेगी। दोस्तों देखिए, अगर आप सिर्फ एक ब्लॉग चैनल बनाना चाहते हो तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, तीन चीजों में आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। पहली चीज, आपके पास एक मोबाइल कैमरा होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास एक माइक होना चाहिए। इसी के साथ साथ में आपके पास एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। अब अगर बात करें ट्राइपॉड या फिर मोबाइल स्टैंड की, ये तो अलग चीज हो गई, आप अपने हाथ से भी मोबाइल लेकर वीडियो बना सकते हो ब्लॉग की, बस आपकी वॉइस क्लियर रहनी चाहिए
और एडिटिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, तभी आपका व्लॉगिंग चैनल बहुत ही पॉपुलर हो सकता है दोस्तों। अब इन्हीं चीजों के साथ साथ में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी मार्केटिंग कैसे करनी। दोस्तों मार्केटिंग बहुत ही अहम पॉइंट होता है हमारी वीडियोस और चैनल को ग्रो करने के लिए। आप वीडियोस पोस्ट करते जा रहे हो लेकिन उनको कौन देखेगा। इसी के साथ में आपको मार्केटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, आप अपने वीडियोस को कहां कहां पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप फेसबुक जहां पर भी आपका मन करे आप शेयर कर सकते हो, और ऑडियंस आपको ऐसी जोड़नी है उस शेयरिंग के जरिए जो वो वीडियो देखना पसंद करे और लोगों को शेयर भी करना पसंद करे। अब अगर हम बात करें ओवरऑल जो लास्ट में होता है हम सारी चीज़ें जिसके लिए करते हैं वो होती है अर्निंग। दोस्तों यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन कैसे करना ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, और अगर स्पॉन्सरशिप लोगे तो उसके लिए कैसे क्या आप मैनेज करोगे, एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, जो भी आपको मोनेटाइजेशन के लिए सोर्स पाने उसके लिए आपको पहले से सारी तैयारी करके रखनी पड़ेगी दोस्तों। इसी के साथ साथ में आपको कंटेंट कंसिस्टेंसी के साथ बनाना है और अपने ऑडियंस को नई नई डेली वीडियोस देनी है। दोस्तों अगर व्लॉग से रिलेटेड और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट में कोई नेक्स्ट वे भी बता दीजिए जो आप व्लॉग से रिलेटेड जानते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।